गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इंटीग्रेशंस के टॉपिक में हम एक मेथड लेके आए हैं अपने लिए, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ इंटीग्रल ऑफ फॉर्म। ठीक है, देखिए हमने क्या कर रखा है, टास्क बना रखा है अपना कि हमने कहा आपको सब फॉर्मूलेज आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे आपने हमेशा आप छोटे क्लास में पढ़ा है कि इस फॉर्मूले से हम इतने सीरीज करेंगे, इस फॉर्मूले से सीरीज करेंगे, तो हमने इस स्टेप का भी आपको यहाँ पे आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन आज 15 हो गई है, तो आपका बहुत जल्दी अभी 2-4 दिन में हो सकता है आ जाए, क्योंकि उत्तराखंड का आ चुका है, तो अपना ही बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल तैयारी रखिए, और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने मेथड कराए जा रहे हैं उनको आपको बार बार रिविजन भी करना है। ठीक है, वरना क्या होता है कि मैथ्स में अगर रिविजन नहीं करेंगे तो हम फिर अपनी जीरो कंडीशन में वही दोबारा पहुंच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसका लॉस होगा। तो उस लॉस को नहीं करना है आपको, साथ में एक नया मेथड है, उस मेथड को सीखते हैं। बहुत सिंपल तरीके से सिखाएंगे आपको, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इस चीज के लिए। देखिए आपको क्या करना है, अपने देखिए पहले जनरली क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहीं रूट लगा होगा, यहाँ रूट लगा, यहाँ रूट लगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये ना तो किसी का स्क्वायर बनना है अभी। ठीक है, अगर स्क्वायर बनता तो हम एक उसको एड्रेस कर लेते हैं, और सिंगल डिजिट है, इसको हम लेट टीप करते हैं, ऊपर पे वैल्यू देनी रखी है, तो लेट करने में दिक्कत आएगी हमको, है ना। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज पड़ते हैं, तो हमने क्या करा, फॉर्मूला तैयार कर लिया, तो इस फॉर्मूले से आपको सिर्फ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बस कंपेयर क्या करनी है कि इस वैल्यू को हमें ऐसे कंपेयर करनी है, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है √3, और बी की वैल्यू कितनी है 1, मतलब कोफिशिएंट डिग्री हमने इसका। ठीक है, पर इतना से करना है आपको, और इतना से करने के बाद सिर्फ इस वैल्यू में आपको पुट करना है। देखिए 1/1 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और रूट लगा देंगे। जी बिल्कुल बच्चों, इतना कीजिए भी एक बार। एंड देखिए एक्स की वैल्यू x/2 ऐसे ही रहेगा हमारे पास, प्लस 1/2 ऐसे ही रहेगा, टेन इनवर्स ऐसे ही रहेगा, यहां तक सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ b/a, b यहाँ पे कितना था 1, a कितना था √3, बस मोड सी सी हमारा जन्म से अधिकार है, इसको लगाने लगाना है। अच्छा एक बात बताइए कि आपके टेन वन बाई रूट थ्री में जो वैल्यू होती है, हम उसको वैसे मालूम होगी, मालूम होगी, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। √3 का एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, tan x/√3, ये वैल्यू किसकी होती है, tan 30 की होती है। इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं, इसको π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेन से टेन चलते बने, खाली क्या बचा हमारा π/6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी π/6। वैसे ही आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको इसने बता दी कि अगर कभी कभी माइंड में नहीं आता तो आपको रिविजन देगा। ओके, तो फाइनली हम इसको लिख देते हैं, इसका मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब खाली 2 हो जाएगा, log tan x/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा, मतलब फाइनली π/12। ओके, बस इतना सा करना था आपको। ये ट्रिक हमने आपको इसलिए और बताई, यहाँ तो आपको सिंपल फॉर्म सॉल्व भी करा दिया है, एग्जाम्स में जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन देखना है, तुरंत से कंपेयर करना है। जैसे कंपेयर करेंगे तो आपको ऑप्शन में कई सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे कॉट दे रखा होगा, कॉसेक दे रखा होगा, साइन दे रखा होगा, तो आपका आपको माइंड से सेट हो जाएंगे यहाँ पे साइन और कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस हमेशा क्या होता है, हमेशा टेन होता है, तो आपको इसको ये ध्यान रखना है। ठीक है, साथ में आपका ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आपको इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आई गारंटी आप इसको देखते हैं इस पर टिक मार देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्मूले आपको बार बार इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि एग्जाम्स में आप यहाँ पर टाइम कंज्यूम करके आप और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लगाएं जहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। सपोज की मैट्रिक्स से क्वेश्चन करके भी हम कंफ्यूज कर देते हैं, और भी हम हाइपरबोला पैराबोला क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, वहां पर ट्रिक बताएंगे आपको। बट अभी जो मेन बेसिकली आपका जो फॉर्मेट चल रहा है इसको एब्जॉर्ब कीजिए माइंड में। ठीक है, ताकि यहाँ का जितना भी टाइम बचे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाएं, ताकि आप अच्छे से वन बाय वन क्वेश्चन कर सके, ये हमारे साथ एक शेड्यूल रहता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, या बी की वैल्यू कितनी है √3 है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, कंपेयर कर लेते हैं, तो कितना हो गया 1/√1 + 3 log tan
एक्स प्लस टू ऐसे ही रहेगा, 1/2 टेन इनवर्स करके बी अपॉन ए, मतलब √3 सिर्फ, ओके प्लस सी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया पहले की तरह, log टेन एक्स वाई टू प्लस 1/2। भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली थी, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। टेन इनवर्स √3 को आपने एक्स मान लेते हैं, तो कितना हो गया, टेन एक्स इजिकल टू √3। √3 का मतलब कितना हो गया, टेन सिक्सटी। टेन सिक्सटी का मतलब कितना हो गया, टेन पाई बाई थ्री। टेन से टेन हटा लीजिए खाली, कितनी वैल्यू होगी आपको फाइनली, पाई बाई थ्री। ठीक है, पाई बाई थ्री ये है, 1/2 ये है, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। में डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मोड क्लोज कर लीजिए, प्लस सी आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शंस में देखिए आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये बहुत सिंपल, अच्छे सिंपल मेथड है, जो आपका कम टाइम में सिर्फ आपको डायरेक्ट वैल्यू लगानी है और आपको तुरंत आंसर पुट करना है। वरना आपको मालूम है कि मैंने आपको एक सीरीज बताई थी कि इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएट, ठीक है, इसमें टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, ठीक है, आपको इनमें से मिलेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, इसमें रेसिप्रोकल मिलेगा, इसमें इरेसिप्रोकल मिलेगा, मतलब बहुत लंबी सीरीज है, तो उसको हम एक साथ में आपको सारे फॉर्मूले लिखवा देंगे, तो उसके आप यूटिलाइज नहीं है, क्योंकि आप उन फॉर्मूले को यूज क्या करेंगे। जब तक हम जिस चीज का यूज कहीं नहीं करेंगे, जब तक हम उस चीज को समझ नहीं पाते, ठीक है, हमेशा से ये आप हमेशा ध्यान रखिए अपनी लाइफ में, चाहे वो मैथ्स में रहो चाहे किसी भी चीज में रहो, जब उसको प्रैक्टिकली उसको यूज कर लेंगे, तब आपके लिए वो चीज हमेशा मेमोरेबल रहेगी। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।